हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ब्रॉनक और आप देख रहे हैं आपका ब्रांड न्यू शो विधानसभा में टीआरपी। विधानसभा की टीआरपी में हम आपको बताते हैं विधानसभा में बैठने वाले उन तमाम नेताओं की बातें जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो नेता आपके द्वारा चुने गए हैं, जिनको आपने विधानसभा में भेजा है आपकी बात रखने के लिए, आपके क्षेत्र का विकास करने के लिए। दोस्तों, आजकल लोग नेताओं को जमीन पर कम, इंटरनेट पर ज्यादा सर्च करते हैं। जमीन से जुड़े नेता इंटरनेट की दुनिया में काफी ज्यादा घूम रहे हैं, कहीं उनसे जुड़ी खबरें तो कभी ट्रोलर्स के निशाने पर। हम यानी जनता खोजती है नेताओं से जुड़ी चटपटी करारी तो कभी सियासी उठापटक की खबरें। इसलिए हमने एक गजब शो बनाया है, जिसे देखोगे तो आपको वही फीलिंग आएगी जो बॉक्स ऑफिस पर चढ़ते या गिरते अपने पसंदीदा हीरो को लेकर आती है। अब अगर आपका पसंद का नेता नंबर बढ़ाता है तो आपको सीटी बजाना जरूर बनता है। वेलकम टू विधानसभा में टीआरपी। हमारे सर्चिंग टूल पर विधानसभा में बैठने वाले उन नेताओं की कसौटी परखी जाएगी कि आखिर विधानसभा के अंदर वो नेता क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। टीवी में टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है तो आपके नेताजी के लिए होगा हमारा स्पेशल बनाया हुआ तिगड़म ट्रेंडिंग रेटिंग पॉइंट, यानी कि हर दिन इस स्पेशल शो में सोशल मीडिया और गूगल बाबा के गलियारों में आपके नेताजी को आपने कितना खोजा है, इसकी हम रिपोर्ट हर दिन आपको देंगे। आपके चहीते और दुलारे नेताओं के वो कारनामे जिनके कारण से आप उन्हें देश में न्यूज, वेब सर्च, उनकी पिक्चर और वीडियो को ज्यादा देखा और उनके बारे में ज्यादा पढ़ा होगा। दरअसल आज हम इन चार नेताओं की बात करने वाले हैं जिन पे नंबर एक है शांति धारीवाल, नंबर दो है संयम लोढ़ा, नंबर तीन पर है गिरिराज सिंह मलिंगा और नंबर चार पर है विश्वेंद्र सिंह, जो राजस्थान के टूरिज्म मंत्री भी है, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो शायद ही कोई और कर सके। अरे रुकिए, मतलब हाल ही में चल रही राजस्थान की विधानसभा के सत्र में जो बातें इन्होंने कही, मां कसम शायद ही कोई कह पाता। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं और फिर इनके वीडियो की सच्चाई आपको बताते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान आबकारी नीति लाने के बाद में माननीय सभापति महोदय कतिपय व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो संशोधन ला करके करोड़ों रुपए के राजस्थान के जनता के राजस्थान की सरकार के राजस्व का नुकसान किया गया, उसकी ओर माननीय सभापति महोदय ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो कैसी लगी विधानसभा में टीआरपी? आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि आप शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ में ही थे। तो फिलहाल आज के शो में इन नेताओं ने क्या कहा वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आपके लिए फिर से यही शो लेकर के आएंगे और बताएंगे कि कौन से और नेता हैं जो इस समय काफी ज्यादा, जिन्हें आप सर्च कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन पर और गूगल टाइप कर रहे हैं, इन नेताओं के बारे में वो बातें जानने के लिए जो ये विधानसभा में आपके लिए रख रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए शो में इतना ही और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी, क्योंकि यहाँ पर खबरें लगातार आपके पास व्हाट्सएप के अंदर और यूट्यूब के जरिए, साथ में फेसबुक पर भी आपको लगातार मिलती रहेगी, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और हमारी एप्लीकेशन से खबरें पढ़ना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कल फिर याद रखिएगा, आपको इसी समय मिलना है मेरे से।